मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर अपने वादों पर खरी उतरती नजर आ रही है। किसान भी प्रदेश सरकार को लेकर काफी खुश नजर आते दिख रहे हैं। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में प्रदेश सरकार द्वारा बारिश में खराब हुई किसानों की फसलों को लेकर राहत राशि वितरण का प्रोग्राम रखा गया, जहां पर विधायक रामलाल मालवीय के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपए दिए गए। वहीं विधायक रामलाल मालवीय ने बताया कि अगर किसी किसान का कर्जा 50,000 से कम था और माफ नहीं हुआ तो उसका पैसा मेरे पास से दूंगा। पूर्व सरपंच अध्यक्ष विजय सिंह गोप्ता ने बताया कि घटिया तहसील के इतिहास में इसके पूर्व कभी भी इतनी बड़ी रकम किसानों के हित में किसी भी प्रदेश सरकार ने नहीं दी। देश के आजाद होने के बाद पहली बार प्रदेश सरकार ने इतना पैसा दिया। अब तक सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा कभी भी घटिया तहसील को नहीं मिला है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घटिया तहसील के 36,312 किसानों को 75,66,92,000 रुपए की राहत दी है। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। 28 गांव में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन की फसलों में 53,352 हेक्टर में सोयाबीन की फसल बोई गई थी और 53,352 ही हेक्टर किसानों को 16,000 रुपये प्रति हेक्टर के मान से 36,312 किसानों को 75,362,83,283 रुपये की राशि माननीय सरकार ने भी जारी की है, जिसमें से 18,91,48,071 रुपये अभी प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुई है। अलग अलग 4 किस्तों में ये राशि बंटना है। आने वाले समय में सभी किसानों के खाते में सोयाबीन की खराब हुई फसलों की राहत राशि का पैसा सीधे उनके खातों में जमा होगा। अगली किस्त का कुछ अनुमान है कब तक? 2 महीने बाद अगली किस्त। मध्य प्रदेश शासन की ये लोक कल्याणकारी वचन पत्र के एक वचन को निभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह राहत राशि का वितरण करवाया है। हमारे लोकप्रिय, हमारे जननायक, हमारे जनप्रिय नेता सम्मानी रामलाल जी मालवीय, जो विधानसभा क्षेत्र घटिया के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में आज जिस तरह का विकास कार्य हमारी पूरी तहसील में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वो आज तक के विधानसभा काल में 73 वर्षों में जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सबसे पहले इस तरह का काम हुआ। आज आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ से ज़्यादा कभी भी राहत राशि घटिया में नहीं आई। आज 75 करोड़ रुपया किसानों को यहाँ से वितरण करने का उन्होंने शुभारंभ किया और आज किसानों के खाते में सबके पास में 3200 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से पहुंच गया। एक किस्त पुनः कह रहा हूं, मैंने पहले भी आंकड़े दोहराए हैं, 18,91,48,071 रुपये हम लोगों को प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ी राशि है। आज तक, अभी मैं पूछ रहा था एसडीएम साहब से, घटिया तहसील में कभी भी 2 करोड़ से ज्यादा आज तक के इतिहास में 2 करोड़ से ज्यादा कभी भी कोई भी किसी प्रकार की फसल नष्ट हुई हो तो आज तक इतनी फसल का मुआवजा कभी नहीं मिला, जो पहली बार 75 करोड़ रुपए हम लोगों को मिल रहा है। इसके लिए इस मंच के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।